है मिल्क को बॉईल करने के लिए, और यहाँ पे कुकर में हमने राइस पकाने रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि राइस और मिल्क का क्या कॉम्बिनेशन है, तो सोचिए, और वो भी कुक्ड राइस। तो सस्पेंस है, देखने के लिए बने रहे वीडियो में। सारा राइस कुक हो चुका है, अभी इसको हल्का सा ठंडा करने रखेंगे, क्योंकि फ्राइड राइस में या तो बासी राइस या तो ठंडा राइस ही यूज़ करना चाहिए। देखिए कैसे धुआं उठ रहा है, और ये मैंने खाली कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ये राइस हो गया है हमारा स्मैशी सा, इसको ऐड कर देंगे दूध के अंदर। अच्छा, मैंने ना फुल चावलों को स्मैश नहीं किया था बिल्कुल भी। ये देखिए, ये इस तरीके से थोड़े थोड़े हैं, क्योंकि इसे कुक करते करते भी ये हो जाएगा। और इसमें भी मैंने कुछ भी मीठा नहीं ऐड किया, ना ही इलायची ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर जाने वाले हैं हमारे पेड़े, और ये बहुत टेस्टी, इसके अंदर बहुत अच्छे इलायची का फ्लेवर है। तो ये खोया और इलायची स्वीटनेस सबका काम कर देगा। जब आपके घर में मेहमान आने वाले हों, आपके पास कुछ भी ना हो, मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो जाए बिल्कुल मेरी तरह, और बनाने का मन नहीं हो पर कुछ अच्छा भी बनाना है, तो ये शॉर्टकट तरीका है बनाने का बिल्कुल। जब तक इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता, जब तक मैं पेड़े इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब हम इसके अंदर पेड़े डाल देंगे। देखिए पेड़ा डालने के बाद इसका कलर भी अपने आप ही चेंज हो गया, इसमें मिठास सब कुछ आ गया, क्योंकि चावल कुक था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस लो गैस पे, फिर भी हम रख के इसको काटेंगे। ये देखिए मेरी जल्दी जो है पेड़ा हमारा घुल गया है, और इसका कलर आप देख सकते हो हल्का ब्राउनिश हो गया है, क्योंकि पेड़े का कलर हमारा ब्राउन था। देख सकते हो उसका कलर हल्का ब्राउनिश है, हो चुका है मतलब। और ये इतनी सी शक्कर, ये आधा ढक्कन भी नहीं है, होंगे 4 स्पून जो शुगर के अंदर जो स्पून होता है उसके हिसाब से। अगर मुझे कम लगा तो मैं डालूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। तो इसे अब हम पकने देंगे, और इसका कलर इस तरीके से, स्मेल बिल्कुल वैसी आ रही जैसे कढ़ा हुआ दूध जो होता है जो विंटर्स में मिलता है, बहुत टेस्टी। तो बनने के बाद तो और ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, देखिए आपको चाय के कलर के लग रही होगी। सो ये बन गए तैयार, इतनी थिक, इतनी मज़ेदार सी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी, बिना खोए और मिल्क मेड के इतनी अच्छी रेसिपी बन के तैयार है।